तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। देखिए, हम आए हैं खेत की तरफ और यहाँ देखिए लहसुन की खुदाई हो रही है। हम राजन तिवारी हैं, अपने लहसुन को बढ़िया खुदाई करके अब इसको घर पहुँचाएँगे। और ज़मीन जो है काफ़ी सूखी हो गई, लहसुन भी बढ़िया बिल्कुल कुरकुरा निकल रहा है। और अब चलते हैं राजन भाई, पूछते हैं कितने दिन में इसकी खुदाई किए। तो ये लहसुन खुदाई किए हैं, लहसुन भी काफ़ी अच्छा है, जैसे ये देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी पोटी है और सब लहसुन बड़े बड़े जवा के हैं। और ये राजन तिवारी, क्यों भैया? हाँ भाई, आज खुदाई कर ले रहे हो? हाँ भैया, आज खुदाई चल रही है लहसुन की। अच्छा, पक गया है ये, देखिए देखिए। हाँ, ये पक गया है, पक गया है। और अच्छी मतलब? हाँ, ये अच्छी, इसमें मटेरियल पड़ा है, मुर्गी का पार्ट, अच्छा गोबर का पार्ट, अच्छा यूरिया, अच्छा और सल्फर, मतलब तमाम चीज डाले हुए। हम 3 खुरपी निकलवाए थे, अब जो ऊपर वाले ने दिया अब नहीं मिला। ठीक, अच्छा दिख रहा है, मतलब थोड़े में लगाए भी हो? भाई थोड़े में लगाते हैं। हाँ, और ये प्राधिकरण भाई है। अच्छा, ये लगाया था इधर इधर? हाँ, तो ये खुदाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं मेरी। अच्छा, तो राजन भैया। हाँ भाई, लहसुन तो बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहा है यार। हाँ भाई, लहसुन बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल बड़ी बड़ी आड़ियाँ पड़ी हैं इसमें जो है। हाँ भाई, और ये देसी लगाए, देसी लहसुन? हाँ भैया, देसी लहसुन है, मतलब देसी का टेस्ट है दूसरा होता है। हाँ भैया, और इसमें भैया 3 पानी ये पाया है, 3 खुरपी निरवाया गया है। हाँ, खाद पड़ी है, मुर्गी की पार पड़ी है। हाँ, गोबर की पार पड़ी है, सल्फर भी पड़ा लियो, और जिंक। हाँ, मतलब पूरा मटेरियल, जितना मटेरियल इसको चाहिए था सब दिए हो? पापा ने डाला था। अच्छा, और देख रेख अच्छी हुई, और देखिए लहसुन भी अच्छा निकला। हाँ, पक गया है, बेटे खोलने नहीं, लोग कहते हैं चोरी होने लगता है। नहीं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगाते नहीं लेकिन खाने के लिए निकाल ले जाते हैं, निकाल लेते हैं। तो बढ़िया है, टाइम से खोल लो, क्यों चोरी होने का झंझट खत्म। करण भाई भी लगाए थे बाद में। अच्छा, खोल ले। करण भाई भी तुम्हारी मदद करवा दे रहे हैं? हाँ भाई, बहुत मदद करवा करण भैया ने। और ये लहसुन निकाल लिए, चलिए सीजन का चीज है अपने खेत की। हाँ भाई, अपने खेत में जो हो जाता है बढ़िया, मतलब बढ़िया होता है, साल भर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और प्याज आज भी लगाए थे कि नहीं लगाए थे? नहीं भैया, प्याज नहीं लगाए थे, बस लहसुन ही। और इसको? हाँ भैया, ये लगता है धान कटने के बाद, उसी मतलब नरम माटी में गाड़ दिया जाता है, नमी रहती है तैसे लगा देते हो? हाँ भैया, बिना जुताई किए? बिना जुताई किए लहसुन तैयार किया। हाँ हाँ, तो दिख रहा है बढ़िया लहसुन निकला है, जैसा आप देख पा रहे हैं लहसुन अच्छे अच्छे निकाले हैं इन्होंने, जैसे ये दिखाए, ये काफी तगड़ा लहसुन निकाले हैं, क्योंकि समय से लग जाए है ना। हाँ भैया, समय से लग गया, बता तो रहे हैं। हाँ, जब धान कटता है, धान फैला रहता है बटोर के, और इसको लगाए उसी नमी में उसी में काट देते हैं। अच्छा, तरह उतना नहीं पड़ता। अच्छा, और 20-25 दिन बाद पहले गुड़ाई हो जाती है, खोटी भी निकल जाती है, और अपना लहसुन में निकल जाता है, निकल जाता है। चलिए बढ़िया, अपने घर की चीज़ है तैयार हो जाती है। हाँ भैया।